दवे जी, आपने अपना बात की शुरुआत में किया कि बालाकोट मैंने किया। जी नहीं, बालाकोट मैंने नहीं किया है, देश के जवानों ने किया है। हमारे सुरक्षा बलों ने किया है, और ये सबसे पहले हम सब की तरफ से उनको सैल्यूट। जहां तक निर्णय का सवाल है, देखिए इस देश में आपने ढेर सारे प्रधानमंत्री या देखे हैं या उनके विषय में सुना है, और कई लोग उस समय भी जब 2014 का चुनाव था प्रधानमंत्री की कतार में खड़े थे। आज लाइन थोड़ी लंबी हो गई है, अगर मोदी अपने राजनीतिक भविष्य का सोचता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो वो मोदी नहीं होता। अगर यही राजनीतिक पैंतरेबाजी से देश चलाना होता, नफा नुकसान का हिसाब करके देश चलाना होता, अपने राजनीतिक हित, अपनी राजनीतिक भलाई, उसी को लेकर के अगर निर्णय करने होते, तो मोदी की इस देश में प्रधानमंत्री बनने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं, 70 साल तक चलाया है, मेरे जैसे व्यक्ति क्या जरूरत है। और इसलिए मेरे लिए देश सबसे ऊपर होता है। 125 करोड़ देशवासी मेरे लिए सबसे ऊपर होते हैं, और मेरा है क्या? आगे पीछे कोई चिंता नहीं रखी है। दूसरा, मुझ जैसे राष्ट्रीय राजनीति में अनजान व्यक्ति को 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। हमारे राजनीतिक दलों को भी पता नहीं है, ये दुर्भाग्य है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये अपने आप में देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान की बात सुनाई देती है, उसका कारण मोदी है, उससे ज्यादा ये पूर्ण बहुमत की सरकार है। दुनिया का कोई नेता जब मुझसे हाथ मिलाता है या गले लगता है, गले पड़ता नहीं है, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार उसके माध्यम से 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं, और तब जाकर के बराबरी की बात होती है।